विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ग्राम पंचायत भवारना में जारी विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने भवारना में 1,25,00,000 की लागत से बन रहे साइंस ब्लॉक, 24 करोड़ की लागत से सिविल अस्पताल भवारना के अतिरिक्त भवन, 1,25,00,000 रुपए की लागत से ठाकुर द्वारा सुजानपुर पर ठाकुर द्वारा में बनाए जा रहे पुल, भवारना के खैरा रोड में 5,00,000 तथा ठाकुर द्वारा में 10,00,000 से बन रहे मॉडर्न रेन शेल्टर, 12,00,000 से बनने वाले भाटी संपर्क मार्ग के कार्य की प्रगति का जायजा लिया और निरीक्षण किया। उन्होंने विभाग को सभी कार्य समयबद्ध के पूरा करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सुला विधानसभा क्षेत्र के ऐसे स्थानों पर जहां लोगों की आवाजाही रहती है और लोग बसों इत्यादि के लिए रुकते हैं, ऐसे सभी प्रमुख स्थानों पर मॉडर्न रेन शेल्टर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हल्के में 8 मॉडर्न रेन शेल्टरों का निर्माण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भवारना सुला विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख स्थान है और यहाँ बहुत सारे सरकारी कार्यालय हैं। इन सभी कार्यालयों को भी एक छत के अधीन लाने के लिए संयुक्त कार्यालय परिसर बनाया जाएगा। परमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ आर्थिक गतिविधियों को आरंभ किया गया है ताकि लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सके। प्रदेश में उद्योगों मनरेगा के कार्यों के अतिरिक्त सभी सरकारी विकास कार्यों को आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना के कैंपस से सड़क निकलती है और स्कूल 2 भागों में बंटा है। उन्होंने कहा कि यहां हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पुरानी समस्या को दूर करने के लिए 30,00,000 की लागत से ओवरहेड फुट ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसे अगले माह छात्रों को समर्पित कर दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भवारना क्षेत्र में पेयजल सुधार के लिए 2,00,000 लीटर क्षमता के 2 ओवर हेड टैंक भवारना थाना और सिविल अस्पताल के सम्मुख के बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय के लिए भी जमीन आवंटित कर दी गई है और शीघ्र इसका निर्माण आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भवारना में मोक्ष धाम का निर्माण 20,00,000 रुपए से जन सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने COVID-19 संकट में कोरोना योद्धाओं रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं देने वाले चिकित्सकों, सफाई कर्मचारियों, प्रशासन, पुलिस और मीडिया कर्मियों की भूमिका की सराहना की। मुझे भवारना का दौरा करने का मौका मिला है। मैं जहां पर विकास के काम हो रहे हैं, शुरू हो गए हैं, ऑन गोइंग काम है, सबसे पहले लगभग 1,25,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली साइंस लैब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवारना में, यानी अच्छी लैब बनकर के तैयार होगी और उसको मैंने निरीक्षित किया है। और वर्षों से मांग थी कि हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है दो भागों में बंटा हुआ है और जो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वहाँ पर कई बार कई प्रकार के हादसे हुए हैं। ओवरहेड ब्रिज यहाँ पर बन करके कुछ दिन अगले महीने हम इसका उद्घाटन करने वाले हैं। यहाँ पर कोई मैं अपने कामों का कोई अपने लिए श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं जनता का हूँ, जनता के लिए हूँ। अब सुला विधानसभा क्षेत्र में जितने भी ऐसे स्थान जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं परंतु उनको बारिश, तूफान, धूप में खड़ा होने की जगह नहीं है, तो खैरा रोड पर एक सुंदर बढ़िया रेन शेल्टर बनाया है। तो ऐसे रेन शेल्टर मैं अभी दौरा करके आया हूँ ठाकर द्वारा में, कितनी भीड़ रहती है, दुकानों में लोग खड़े होते हैं, वहां पर भी बनाया जाएगा। अभी तक लगभग अलग अलग स्थानों पर 8 के लगभग मॉडर्न जो रेन शेल्टर है वो बन करके तैयार है। हम सभी ऑफिस को एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं, तो भवारना का जो पुलिस स्टेशन है उसके साथ में ही एक कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग भी जल्दी से जल्दी हम काम शुरू करेंगे। लोक निर्माण डिवीजन हमने सुला विधानसभा क्षेत्र को दिया है, तो यहाँ पर जो पंचायती राज की जमीन थी उसमें से 5 करनाल जमीन जो है उनको दे दी गई है और लोक निर्माण डिवीजन का तमाम काम जो है थोड़े दिनों के अंदर ही शुरू हो। यानी जहां पर ट्यूबवेल की जरूरत है वहां ट्यूबवेल को मैं देख रहा हूं, जहां पर भवारना कस्बे को और साथ में लगते इलाके को पानी मिलना चाहिए तो